अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। माई सेल्फ नैरा राजपूत। टुडेज़ आवर 39 टॉपिक ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, आज हमने बात करनी है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन नॉलेज ऑफ पीछे चलते आ रही है, इस पे हम बात करेंगे आज। एप्लीकेशन फॉर स्टडी, मतलब कौन कौन मेथड, जैसे कह लो कि स्टडी के मेथड जो होते हैं उस पर बात करनी है हमने। नंबरस मैनिपुलेशन ऑफ इम्प्रूव सब्जेक्ट मेमरीज रिकॉर्डिंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम आर गिवन बिलो, सो द एप्लीकेशन स्टडिंग आर गिवन। मेथड ऑफ लॉकी, अ क्लासिकल टेक्निक हैज इफेक्टेड बाय प्रमोटिंग गुड ऑर्गेनाइजेशन इन रोकाल सिचुएशन। दिस टेक्निक यूज इन एशियन टाइम वैन स्पीचिज आर गिवन विदाउट राइटिंग नोट्स इन स्टिल यूज टूडे। आर द पॉपुलर ऑफ लोकस, इट मीन लोकेशन। लोकी आर द पॉपुलर ऑफ लोकस इज द मीन लोकेशन। बेसिकली टू यूज मैथड टू लोकी द इंडिविजुअल इमेजिन टू अ फिक पाथ थ्रू अ फेमिलर एरिया विद सम फिक लोकेशन अलोंग टू द पाथ। पी क्यू फोर आर मैथड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट नेम द पी क्यू आर फोर मैथड ड्राइव द नेम सिक्स फेसिस इन एडवोकेट फॉर स्टडिंग अ चैप्टर इन अ टेक्स्ट बुक, जिसमें पी फॉर प्रीव्यू है, क्यू फॉर क्वेश्चन है। अगर फोर आर का मतलब है रीड, रिफ्लेक्ट, रिसाइट एंड रिव्यू। ठीक है, प्रीव्यू पहले देख लेते हैं। ये क्या सर्वे द चैप्टर ऑफ डिटरमाइन जनरल टॉपिक बीइंग डिस्कस, इसमें क्या होता है कि जनरल टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। आइडेंटिफाइंग द सेक्शन टू बी रीड एज यूनिट, अप्लाई द नेक्स्ट फोर स्टेप एंड सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वन स्टार्टिंग अ न्यू बुक स्कीम इज क्विक लुक एट सेम पिक्चर ऑफ डायग्राम, स्टडी द टेबल ऑफ कॉन्टेंट व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, लुक एट डिफरेंट हेडिंग, क्रिएट अ रफ आइडिया विच चैप्टर इज अबाउट, क्वेश्चन मेक अप क्वेश्चन अबाउट द सेक्शन, ओपन ट्रस्ट फॉर सेक्शन हेडिंग सिंपली रिजल्ट इन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मेक क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेडिंग, वट इज़ आइकॉन क्या होता है। ठीक है, आइकॉन हाउ वी डिफाइंड, मतलब कि जैसे इस बात की जा रही है जैसे एप्लीकेशन या बुक बनाई जाती है उसके अंदर, ठीक है, बुक बनाई जाती है उसके अंदर जैसे पी वी होता है क्वेश्चन, मतलब कि किस तरह से बुक को मैनेज किया गया, कॉन्टेंट किस साइड पे, आइकॉन क्या होता है, वो सारे। रीड द सेक्शन केयरफुली ट्रैक, उसके बाद रीड आंसर क्वेश्चन, उसके बाद रीडिंग वाली साइड पे जाती है कि जितनी भी वो लिखा होता है कि उसको अच्छे से रीड करना है। और रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्ट ऑन टेक्स्ट यू रीडिंग द अंडरस्टैंड, रिफ्लेक्ट होता है कि जो हमने रीडिंग की है उसको अंडरस्टैंड ईजिली हम कर रहे हैं कि नहीं। रिव्यू होता है कि उसके बाद अपना रिव्यू देना, एंड जब फिनिश होगा उसका रिव्यू देना कि इस पूरे चैप्टर में, ये पूरी बुक में हम लोगों ने किया क्या। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये जो सी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज की थी कि जो स्टडी मेथड था जो ठीक वाला, ये स्टडी मेथड में बताया गया था।